नमस्कार, स्वागत है आपका। चुनावी दंगल लेकर हम आ गए हैं जयपुर से। जी हां, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, चार राज्यों में चुनाव है और आज से आज तक ने दंगल स्पेशल शुरू किया है चुनाव का। हर शनिवार और रविवार हम पहुंचेंगे चुनावी राज्य में, वहां की जनता के बीच जनता की बात होगी, जनता के साथ होगी, जनता के नेता होंगे मंच पर और जनता पूछेगी अपने सवाल। तो आज हम मौजूद हैं यहां जयपुर के एल्बर्ट म्यूजियम में, जो कि ऐतिहासिक इमारत है, और मेरे साथ हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेता। स्वागत कीजिए सीकर से सांसद बीजेपी के सुमेरानंद सरस्वती जी का, और स्वागत कीजिए कांग्रेस के विधायक हैं गोविंद सिंह दोस्तारा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आप दोनों का स्वागत है इस दंगल के चुनाव स्पेशल एपिसोड में। तो स्वामी जी, पटखनी पहली किस बात पे देंगे आप कांग्रेस को, महारानी के नाम पे देंगे कि आप मोदी जी के नाम पे देंगे? हम दोनों के नाम पर देंगे, दो एक साथ तो नहीं उतार सकते ना, एक को ही उतारना पड़ता है। विधानसभा में मैडम उतरेगी, लोकसभा में मोदी जी उतरेंगे, दोनों के नाम पर देंगे। तो लोकसभा में मैडम के नाम पे लड़ाई लड़ी जाएगी कि मोदी जी के नाम पर लड़ाई लड़ी जाएगी? लोकसभा में मोदी के नाम पर, विधानसभा में मैडम और मोदी दोनों होंगे। दोस्तारा जी, राहुल गांधी के नाम पे लड़ेंगे या फिर अभी तय करना बाकी है कि अशोक गहलोत के नाम पे लड़ना है या सचिन पायलट के? ऐसा है, हम मुद्दों पे लड़ेंगे। राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से सचिन पायलट हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 5 साल तक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं, इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, जो जुमले गढ़े थे, उनके ऊपर लड़ेंगे कि जनता के प्रति जवाब दे जनाए। जनता को जवाब देना पड़ेगा। 5 साल तक मोदी जी ने क्या किया? वसुंधरा जी ने 5 साल तक क्या किया? क्या बेरोजगारों को रोजगार दे दिया? क्या भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? क्या किसान की आय को दुगुना कर दिया? इस मुद्दे के ऊपर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। बताइए स्वामी जी, 5 साल तक वो कह रहे हैं आपने कुछ नहीं किया। माननीय डोटासरा जी कह रहे हैं कि हम मुद्दों पर लड़ेंगे। मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, कांग्रेस ने 50 साल के शासनकाल में देश के अंदर जो भ्रष्टाचार दिया और जिस प्रकार का वातावरण बनाया है, माननीय नरेंद्र मोदी ने देश को साफ सुथरी सरकार दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि जो बनाई है, ऐसा आज तक देश में नहीं हो पाया। चाहे हमारी अटल की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, और आप कह रहे हैं 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। आप गरीबी की बात करते रहे, हमारे प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ गरीब लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं, हमने भामाशाह योजना दी है, हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों को मकान दिए हैं, हमने वो चीजें दी हैं जो कांग्रेस 50 साल में नहीं दे पाई। बताइए दोस्तारा जी, आपने 50 साल में 4 काम गिनाए। ये सही है कि आपने 50 साल में नहीं दी, वो दिए आपने राफेल डील में घोटाला दिया। जो 600 करोड़ का विमान था उसको 1600 करोड़ में दिया। आपने नोटबंदी के नाम पे धोखा दिया। कहाँ गया आपका आतंकवाद? कहाँ गया आपका भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा? आपने कुछ नहीं किया, झूठे जुमले दिए। किसान को दुगुनी आय करने की बात कर रहे थे, कहाँ गई आपके किसान की दुगुनी आय? आज किसान आत्महत्याएं कर रहा है, आप राफेल में घोटाला कर रहे हैं, आप नोटबंदी में घोटाला कर रहे हैं और विदेशों में जाकर के हमारे देश का नाम नीचा कर रहे हैं। ये किया आपके मोदी जी ने। मैं माननीय डोटासरा से बात करना चाहूंगा, 10 साल तक मनमोहन जी के काल में 5-5 केंद्रीय मंत्री जेल में गए और यहाँ राजस्थान में जेल में गए, आज 2-3 तो अंदर ही पड़े हैं, अभी बाहर निकले ही नहीं हैं। आप किस मुंह से कह सकते हैं इस बात को कि आपने भ्रष्टाचार दिया? और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी तरह से कमीशन खोरों के माध्यम से हमने कभी हथियारों के सौदे नहीं किए, दो देशों के बीच में समझौता हुआ, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है। तो इसलिए बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का कोई नाम निशान नहीं है। हमारे 280 सांसदों के ऊपर कोई किसी की हिम्मत नहीं, एक आदमी ने उंगली उठाई, वो मंत्री में बात तो दूर है। तो आप उन्नाव, कठुआ, क्या आपकी हालत है भारतीय जनता पार्टी की? आप बताइए कहां है आपका चरित्र? क्या हुआ? किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार बलात्कार करते रहे और आप बचाते रहे? और मैं कह दूं, आपका कोयला घोटाला में 21 सजा हुई, कांग्रेस को तो बता दीजिए। आपके दूसरे घोटालों में जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला बताया था उसमें सजा हुई तो बता दीजिए। ये झूठे आपके वादे थे, आपने झूठे आरोप लगा करके सत्ता हथियाने का काम किया है, अब जनता जान चुकी है आपको। माननीय डोटासरा जी कह रहे हैं आप उन्नाव की बात करते हैं, आप करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
एक आदमी जिसने राजस्थान में भ्रष्टाचार किया वो तो अब भी जेल में पड़ा है आपका। आप हमारे जो आदमियों की आपने बात कही है उन पर किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आपका तो एक आदमी आज भी जेल में पड़ा है, उसकी सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं हुआ। आप किस बात को कहते हो? स्वामी जी, आप जब सरकार में आए थे तो चुनाव की रैलियों में आप बताते थे कि जीजा जी की पिक्चर देख लो, हम सरकार में आए इनको जेल में ले जाएंगे। 4.25 साल हो गए, एक केस मुश्किल से चल हुआ जाके। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए हमारे किसी आदमी पर आरोप सिद्ध हो तो बता दो। आप डोटासरा जी इस बात कह रहे हैं कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट में कोर्टों में भी मैटर चल रहा है, कितने लोगों के आप कौन सा बरी हो गया एक आदमी को छोड़ करके, आज उनके ऊपर भी आरोप चालू हैं। नहीं, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल में क्यों नहीं डाल पाए आप आज तक। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा केस कब हुआ? रॉबर्ट वाड्रा की तो राजस्थान में जांच चल रही है, मैं आपसे कह रहा हूँ राजस्थान में पार्टी जांच चल रही है। नहीं कि देखो जीजा जी की पिक्चर लेके आए हम लोग। हाँ, तो अब भी जांच चल रही है उसकी। जांच चलती रहेगी क्या? जांच चलेंगी, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में विश्वास रखती है, जांच में विश्वास रखती है, झूठे केस बना बना करके अंदर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। वापस आता हूँ उसके ऊपर। आपने राफेल का सवाल उठाया, डोटासरा साहब, आपने राफेल का सवाल उठाया, आप कह रहे हैं कि राफेल में घोटाला हुआ है। 7 जगह तो राहुल गांधी अलग अलग दाम बता के वैसे ही घोटाला कर चुके राफेल में। ऐसा है, जब तक ये सही नहीं बता दें तब तक हम इनको घेरते रहेंगे। आप ये बता दीजिए कि 600 करोड़ का विमान 1600 करोड़ में क्यों गया, इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने हमारे नेताओं के ऊपर एम्बुलेंस घोटाला का नाम लेके चिदंबरम साहब पर, गहलोत साहब पर, पायलट साहब पर मुकदमा किया, सीबीआई में किया, क्या हुआ आज तक? एक भी FIR कर आपने की थी उसके ऊपर सजा सुनाई हो, अंदर किया हो तो बता दीजिए। ये सब आपकी नोटंगी सत्ता हथियाने के लिए है, ये चलेगी नहीं। तो मैं डोटासरा जी से बात करना चाहता हूँ। जब इनके नेता जेल में गए तो इन्हीं के मनमोहन प्रधानमंत्री थे, भारत का तो था ही नहीं कोई, इन्हीं की सरकार, इन्हीं का सिर, इन्हीं का जूत था, इन्हीं के राज के अंदर जेल में लोग गए थे, मनमोहन के काल में गए थे सारे के सारे, जितने घोटाले हुए उनमें गिरफ्तारियां हुई तो इन्हीं के राज में हुए थे, हमारे राज में हमने किया ही नहीं। आपके टाइम में तो छूट गए सारे के सारे जिनका नाम लेके आपने सरकार बनाई थी। वो यही बताए ना, झूठे क्यों गिरफ्तार किए? डोटासरा जी तो छूट गए, बल्कि डोटासरा जी लानी थी उनको। फिर डोटासरा जी बताए, इनके राज में, मनमोहन के राज के अंदर अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को जेल में मुकदमे कर करके क्यों डाला? अगर हमारे छूटे भी हैं इसका मतलब निष्पक्ष जांच करते हैं, अन्याय नहीं करते हम, लेकिन उन्होंने खुद डाला जेलों के अंदर। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जेल काट चुका है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल काट चुका है, और आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपका भी बेल पर ही बाहर है सर। नहीं, बेल पर बाहर है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका बेल कभी भी अंदर नहीं गया, हमारा बरी होकर गया, तड़ी पार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बरी होकर गया। आपके पास में सही आदमी, बिना अपराधों वाला आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक नहीं था आपकी पार्टी में। एक एक करके मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, पूछना चाहता हूँ। आप राफेल की भी बात कर रहे हैं, आप 2G की भी बात कर रहे हैं, वाड्रा की भी बात कर रहे हैं, भाई पेट्रोल डीजल वो चीजें जिनसे जनता का घर चलता है, आप दोनों की लिस्ट से गायब हैं। उसकी आप दोनों की लिस्ट से गायब हैं। आपको लगता है 100 रुपए लीटर तेल देंगे तो जनता आपको वोट दे देगी? मैं एक कहना चाह रहा हूं आपको, बोलिए। पेट्रोल डीजल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तय होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी मुख्यमंत्री ने भाव कम किए हैं, आपके राज के अंदर भाव बढ़े, लेकिन किसी मुख्यमंत्री फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए हमारे 30% टैक्स ले रहे हैं। आज 100 रुपए पेट्रोल बिकने को जा रहा है, 80 रुपए डीजल बिकने को जा रहा है, और आप 38% टैक्स ले रहे हैं। आज डीजल और पेट्रोल पे दोनों सरकारें 38% टैक्स लेने जा रही हैं। आप GST में क्यों नहीं लाते पेट्रोल और डीजल को, क्यों जनता को लूटने का काम कर रहे हैं? बताइए, चुनाव आ गया सिर पे अचानक, देखिए अब आपको लगा कि भाई 2 रुपए घटा देते हैं शायद जनता हमारा साथ दे दे, नहीं दे। कांग्रेस बीच में, कांग्रेस की सरकार आई, बोले। मैं डोटासरा जी से पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी जितना वेट, जितना टैक्स उस समय था उसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने 1 रुपया लगाया हो तो बताओ? आपने खुद लगाए थे, हमने तो कम किए हैं, हमने कम किए हैं, हमने कम किए हैं, बताइए। 120 रुपए, $120 प्रति बैरल का भाव था, तब हम 50 रुपए में डीजल देते थे, और आज 60 रुपए प्रति डॉलर बैरल भाव है कच्चे तेल का। आपकी सरकार आ गई, अगर राजस्थान की परंपरा है 90 के दशक के बाद से, तो भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ तो जाइए, बैठ तो जाइए।
नहीं ठीक है, लगा लीजिएगा नारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है। आप कह रहे हैं बीजेपी ने पेट्रोल के दाम इतने कर दिए, आप वादा करते हैं आप सरकार में आएंगे तो आप आधे कर देंगे? बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जो जनता पे मार हुई है उसको ठीक करने का काम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है? फार्मूला बिल्कुल, हम चाहे हमारा टैक्स घटाना पड़े, हम निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल पे भाव कम करके जनता को राहत प्रदान कर देंगे। जनता आत्महत्या करने को मजबूर हो रही है। तो पंजाब में और कर्नाटक में घटा क्यों नहीं देते? एक बार लोगों को बताइए कि ऐसे घटाएंगे? ये पूरे हमने किया था जब हमारी सरकार, कर्नाटक में तो सरकार बनते ही आपने बढ़ा दिया टैक्स। जब हमारी सरकार थी तो सिलेंडर के ऊपर हमने पैसे कम किए थे, राज्य सरकार ने यहाँ पर कम किए थे, 25 रुपए सिलेंडर के ऊपर राहत दी थी। इन्होंने केवल झुंझुना चुनाव के लिए पकड़ाया है। 21 राज्यों में आपकी सरकार है, मैं 21 राज्यों में आपकी सरकार है स्वामी जी, केवल राजस्थान में 2-2.5 रुपए घटा के आप सोचते हैं कि पूरे देश के लोगों को अपने साथ ले जाएंगे? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान की मुख्यमंत्री ने भाव कम किए, आपकी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है और आपकी पंजाब में है। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक पैसा कम किया क्या? हमने किया तो, शुरुआत तो की हमने, हमने शुरुआत तो किया है। आपने किया क्या एक पैसा भी? बैठ के आपसे भी करूंगा मैं भाई, सुन तो लीजिए बात को, उनकी बात तो सुन लीजिए कम से कम। आपके नेता से बात करने दो, मैं आपसे भी करूंगा बात, हम भागने वाले लोग नहीं है। पहले मैं नीचे आ रहा हूँ उससे पहले पूरी बात कीजिए अपनी। आप उनके 2 राज्यों पे सवाल उठा रहे हैं, अपने 21 राज्यों में क्यों नहीं घटा रहे ये नहीं बता रहे हैं। मैंने एक बात बताई है, आप 21 में 15 राज्यों में घटाएंगे तो अपने आप दबाव में आएंगे। मैं राजस्थान से खड़ा हूँ और राजस्थान की मुख्यमंत्री ने भाव कम किए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ हमने पहल की है, आपने तो पहल ही नहीं की आज तक इनके कार्यकाल में। एक महीने पहले आप लॉलीपॉप दे करके जनता को दोबारा ठगना चाहते हैं, ये कभी नहीं होने वाला है। अच्छा, लेकिन एक ये तरीका अच्छा है ना कि भाई अगर अपनी बात आपको अच्छी ना लगे तो मोदी 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 करना शुरू कर दीजिए, या दूसरी तरफ से राहुल 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 करना शुरू कर दीजिए। अपने सवाल उठाइए, आज आपके पास मौका है कि अपने नेताओं से आप सीधी बात कर सकें, उनसे अपने मन की बात कह सकें। उनके मन की बात तो हमेशा टीवी पे सुन लेते हैं, तो कम से कम नारा लगाने के बजाय अपना सवाल उठाइए। पूछिए क्या सवाल है आपका। इनसे ये पूछने की बात है, कांग्रेस के टाइम क्रूड ऑयल सस्ता था, रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाजार के हवाले पेट्रोल और डीजल को इसलिए किया ताकि अंबानी के पेट्रोल पंप चल सके। इन्होंने क्रूड सस्ता था, आज क्रूड महंगा हो गया, उसके बावजूद भी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पे बढ़ाते गए। एक काम करो, इनसे कहो कि जनता को शमशान यात्रा भेज दें और मोदी जी को ही रख लें अकेले को। सर मुझे ये बताइए, सऊदी अरब में तो राम मंदिर बना रहे हैं, यहाँ राम मंदिर क्यों नहीं बना रही है? क्या लॉजिक इसके पीछे आप बताइए मुझे। यहाँ जयपुर में बनवाना चाहते हैं आप? यही तो अयोध्या में, अयोध्या में बनवाना चाहते हैं। एक मैटर ले रखा इन्होंने। अभी स्वामी जी से सवाल पूछते हैं, उसके पहले एक सेकंड रुकिए ना भाई। इधर सब राहुल राहुल कह रहे हैं, इधर सब मोदी मोदी कह रहे हैं, दोनों तरफ से सवाल लेना जरूरी है ना। बोलिए क्या कह रहे हैं सर। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम पार्लियामेंट के सेशन हम देखते हैं, लाइव देखते हैं, हमने राहुल गांधी को भी देखा, एक मर्यादा के हिसाब से कोई आंख मारना और एक तरह से अपने आप को पप्पू बोलना, ये व्हाट इज द लॉजिकल ऑन द बिहाइंड दैट? क्या हम प्रधानमंत्री को, वो भावी प्रधानमंत्री जिसको हम देखना चाह रहे हैं, क्या ऐसा दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इश्यूज रिपोर्ट विल बी रिपोर्टेड ओवर देयर? वो पेट्रोल के 2008 से लेकर 14 तक 86% पेट्रोल बढ़ा था, अभी 2014 से लेकर 18 तक कितना प्रतिशत बढ़ा है? ये कह रहे हैं हम पेट्रोल को कम किया 86। आप पेट्रोल लेने जाते हैं, पेट्रोल पंप वाले से प्रतिशत में दाम पूछते हैं कि रुपए में पूछते हैं? 36 रुपए लीटर था, 36 का 70 रुपए लीटर 80 रुपए कर दिया था उन्होंने। आपको चुप नहीं रहा? आपको नहीं चुप रहा? चुप रहा है, लेकिन वो तो बाहर चुपने की बात कहाँ है, 86%। बोले बोले बोले। कांग्रेस के टाइम पे दाल 135 थी, अब 35 रुपए, इनको पीना तो पेट्रोल है, जनता को खाना खाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता को पेट्रोल नहीं पीना, दाल खानी है, तो ये दोनों तरफ से देख सकते हैं आप किस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन मेरा सवाल अब आप दोनों नेताओं से है, आपके समर्थकों की बात तो देखिए आप दोनों ने सुन ली है, अब मेरा सवाल आप दोनों नेताओं से ये है कि भाई जब जनता वोट करती है तो वो स्थानीय अपने जरूरत के मुद्दे देख के वोट करती है या ये देख के वोट करती है स्वामी जी कि राहुल गांधी का संसद में बर्ताव कैसा था, उन्होंने मोदी जी को गले लगा लिया या उन्होंने मोदी जी को आंख मारी, या फिर इस बात का जनता देख के वोट करती है कि
राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में 5 साल क्या काम हुआ है बताइए स्वामी जी, पहले आप, फिर आपके पास आ रहा हूँ। डोटासरा जी सीकर से संबंध रखते हैं, आप भी हमारे लक्ष्मणगढ़ के विधायक हैं, मैं वहां से सांसद हूँ। मेरी सरकार ने, हमारी सरकार ने सीकर में मेडिकल कॉलेज दिया है, विश्वविद्यालय दिया है, और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें दी है। मैं डोटासरा जी से पूछना चाहता हूँ आपके कार्यकाल के अंदर आपकी सरकार ने सीकर को क्या दिया बताओ, सीकर को क्या दिया? देखिए सीकर पे आ गए, देखिए रुके 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 ये अब सुन लीजिए, देखिए इस तरीके से नहीं, इस तरीके ये राजस्थान का चुनाव है, वो बोल रहे हैं उनको, राजस्थान का चुनाव है। हम वसुंधरा जी से पूछना चाहते हैं कि क्या 15 लाख लोगों को आपने रोजगार दे दिया? सीकर क्या के बारे में क्या बेरोजगारों को नौकरियां दे दी? क्या दिया क्या आपने? रिसर्जन रिसर्जन राजस्थान के नाम से धोखा नहीं किया क्या? क्या किसानों से ऋण माफी के नाम पे आपने धोखा नहीं किया क्या? क्या आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया क्या? क्या आपने खान घोटाला नहीं किया क्या? क्या आपने जलदाय विभाग में घोटाला नहीं किया क्या? आपने क्या क्या किया? और स्वामी जी यूनिवर्सिटी शेखावटी यूनिवर्सिटी हमारी कांग्रेस की सरकार की देन है, और मेडिकल कॉलेज सीकर में आज तक चालू नहीं हुआ। आपने कहा था कि चूरू से पहले सीकर में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, क्या हो गया क्या? मेडिकल कॉलेज का काम चालू है। आपने कहा था कुमाराम लिफ्ट परियोजना में कुमाराम लिफ्ट परियोजना चालू करेंगे, क्या सीकर जिले में कुमाराम लिफ्ट परियोजना चालू हो गई क्या? बता दीजिए आप एक एक करके, आप जवाब ले उनसे, लीजिए कुमाराम हो गया खत्म, दीजिए जवाब दीजिए स्वामी, कुमाराम लिफ्ट परियोजना का जवाब, कुमाराम लिफ्ट परियोजना के अंदर पानी लाए तो हम लाए, कहाँ लाए? आप लोग चार बार वोट मांगते रहे, कहाँ लाए? झुंझुनू में पानी चल रहा है, 825 करोड़ रुपए लक्ष्मणगढ़ और सीकर को मिले, 782 करोड़ रुपए में सुजानगढ़ को मिले, 1000 करोड़ से ज्यादा नागौर को मिले, और आपने कुछ नहीं किया, पहली गोड़ी नहीं दिया। आप सुन लो दूतासरा जी, सवाल आपके, जवाब तो दे दीजिए। आपके केंद्र में दीजिए, केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री थे, आपके मंत्री थे, एक भी सड़क हाईवे आपने सीकर को दिया? सीकर हमने चार रोड किए, हमने चार हाईवे दिए, किसने बनाया? हमने चार हाईवे सीकर फोर लेन किसने बनाया? समय में हमारे यूपीए सरकार ने छह साल तक रेल की पटरी उखड़ी पड़ी रही, रेल की पटरी का बजट किसने पास किया था? और महादेव से घंटे लाने, एक सेकंड रुकिए यूपीए सरकार के समय पास, एक सेकंड, हम लोग जयपुर में खड़े हैं, बैठ जाइए, ये आपको इन पे भरोसा नहीं है क्या? इन पे भरोसा नहीं है कि आपकी बात रख सकते हैं? इन पे भरोसा है ना, तो फिर इनको रखने दीजिए बात, बैठ जाइए। अपने दर्शकों को बता दें कि हम जयपुर आ गए हैं, आज राजस्थान से चुनावी दंगल का पहला एपिसोड आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, ऐतिहासिक इमारत है, जयपुर की पहचान है, और यहाँ आज हमारे साथ सीकर के सांसद हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और हमारे साथ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ चीफ व्हिप भी हैं, अगर मेरी जानकारी सही है। तो इन दोनों के साथ हम बात कर रहे हैं, दोनों अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। हम जिस जयपुर में खड़े हैं स्वामी जी, उससे थोड़ी ही दूर अलवर है, और अलवर दो बातों से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। एक, क्योंकि आप लोगों ने विधानसभा लोकसभा के उपचुनाव गवा दिए, और दो, क्योंकि मॉब लिंचिंग वहां पर घटनाएं हुई, और जिसके बाद यह कहा गया कि मोदी सरकार में गौ रक्षकों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो ऐसे लोगों पर भी अटैक कर रहे हैं जो कि आम तौर पर गौ तस्करी में शामिल नहीं है, केवल बेचारे गाय लेके जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि 5 साल के कार्यकाल में आपके ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भैया ये आदत है आपकी, जब आपका नेता बोलता है चुप बैठते हो, यही आदत कांग्रेस की रही है, यही आदत है आपकी, आपकी यही आदत है, मैं समझता हूँ। बैठ जाइए, बोलना सीखो, आराम से बैठ जाइए, सुनना आराम सीखो, से बैठिए, आपके अंदर सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, आप में सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, बोलिए सुनने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं आपके राज में गुंडागर्दी बढ़ गई? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपने पूछा है भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस मॉब लिंचिंग की घटना की निंदा की, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने
माउली सिंह का नाम निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया, लोग जो मारे गए निंदा करने के लिए नहीं बनाया, कार्रवाई करने के लिए बनाया इन्होंने, कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री पहले अपने लोगों को शांत तो कराइए, निंदा करने के लिए अपने लोगों को शांत तो कराइए पहले, ये तो आप ही के लोग हैं ना, इनको इनकार नहीं कर सकते आप, पहले इनको शांत कराइए, आप ही की बात नहीं सुनना चाहते हैं वो लोग, क्या बैठ के सुनिए तो, क्या अगर आपको अपने नेता पर यकीन है उनकी बात सुनिए, अरे बैठो, क्या प्रधानमंत्री जी को बैठो 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 अपराधियों की निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया, आपके नेता आपका विषय उठा रहे हैं कि नहीं, आपको लगता है वो सक्षम है, आपको लगता है आपके नेता आपकी बात उठा रहे हैं, आप तो बोलने दीजिए उनको, बात बता दीजिए, बोलिए कि क्या प्रधानमंत्री जी को अपराध घटित होने पर निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया, कार्रवाई क्यों नहीं करते ये पूछना चाहते हैं हम, कार्रवाई क्यों नहीं करते, प्रधानमंत्री जी ने दलितों के साथ अत्याचार हुआ कोई कार्रवाई नहीं, गोरक्षका के नाम पे लोगों को मौत के घाट उतारा, प्रधानमंत्री की कोई कार्रवाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता इनके विधायक बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं कोई कार्रवाई नहीं, ये प्रधानमंत्री है या तमाशा है, प्रधानमंत्री कार्रवाई के लिए होता है, मुख्यमंत्री कार्रवाई के लिए होते हैं, केवल निंदा करने के लिए नहीं होती, आपको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया, आपको सत्ता इसलिए नहीं दी कि आप अपराध होते रहे, बोले, 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 निंदा करते रहे, इस बात की निंदा की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन पर केस दर्ज किए हैं और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, कोई ये नहीं कह सकता कार्रवाई नहीं हुई, और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं आपकी सरकार इस बात से मना कर सकते हैं कि उनको पुलिस ने मारा, पुलिस ने मारा, इस बात से इनकार कर सकते हैं आप कि एक तरफ आपकी प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि निंदा कर रहे हैं, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ आपके नेता उनके घर जाके फूल मालाएं पहनाते हैं और उनके स्वागत समारोह करवाते हैं, उसका विरोध किया है, ऐसे नेताओं का पार्टी ने विरोध किया कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए अगर कोई करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने ऐसा कभी निकालो पार्टी से, हमेशा विरोध करते हैं, निकालो ज्ञान देवा हो जाओ, हमेशा विरोध निकालो ज्ञान देवा हो जाओ पार्टी से, निकालिए, आपने संजय निरुपम को निकाल दिया क्या, आपने संजय निरुपम को निकाल दिया क्या, बताइए जो देश की सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे थे, आपने संजय निरुपम को अध्यक्ष बना दिया मुंबई का, आपने तो इनाम दिया उस आदमी को जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, हमने चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो जिसके ऊपर भी आरोप लगाए हैं उनको पार्टी से बाहर किया है, आपके जो नेता उन्होंने पार्टी में बैठा रखा है, दो सारा जी आपके जो नेता पाकिस्तान जाके कह रहे थे मोदी को हटा दो हमें ले आओ, जो कहते थे मोदी नीच है, राहुल गांधी ने उनको वापस बुला के गले लगा लिया, मणिशंकर अय्यर आप कह रहे हैं क्या, मणिशंकर ने ऐसा क्या कह दिया, मणिशंकर ने ऐसा क्या कह दिया था आप बताइए क्या कह दिया, क्या उन्होंने कहा, क्या जो मणिशंकर ने कहा था आप उससे सहमत हैं, ऐसा है आप समर्थन करते हैं मणिशंकर अय्यर की बात का, टेक्निकली लैंग्वेज में फर्क आ सकता है, उसकी भावना गलत नहीं थी, यानी कि आपकी भावना वही है, भावना गलत देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस की भावना यही है, नीची जो मणिशंकर अय्यर की है, नीची किस्म के लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस की भावना वही है जो मणिशंकर अय्यर की है, देश में का प्रधानमंत्री जाकर के कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए कितने अपशब्द कहता है उसको पता, सिर डूब के मर जाना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री है वो, आज सोनिया जी के लिए क्या कहता है, राहुल जी के लिए क्या कहता है, पप्पू शब्द का इस्तेमाल करता है, क्या ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जी को, मौत का सौदागर शब्द किसने ईजाद किया था, मौत का सौदागर गुजरात में हजारों लोगों को मारा था इसलिए मौत का सौदागर कहलाया, बड़ी होकर क्या गया, खून की दलाली का शब्द किसने ईजाद किया था, ऐसा है सेना के ऊपर आज तक किसी ने राजनीति नहीं की, हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना सर गंवा देते हैं, प्राण न्योछावर कर देते हैं, उसके ऊपर राजनीति करने और का आपके नेता किसी सैनिक के घर नहीं जाते बल्कि उन लोगों के घर जाते हैं जिनके ऊपर दंगों के आरोप लगते हैं या फिर गौ तस्करी के आरोप लगते हैं, हमारे नेता गरीबों के घर जाते हैं और प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी जिन्होंने चुनाव लड़ाया उसके घर जाते हैं और उसके घर मिलते हैं, राहुल गांधी का लगातार आरोप लगा है कि 5 बड़े उद्योगपतियों की दोस्ती के चक्कर में पूरे देश को तबाह कर रही है आपकी सरकार, बोलिए जवाब दीजिए, ये कहता हूं आपको 5 बड़े उद्योगपतियों की बात आप करते हो, मेरा प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जैसा फक्कड़ आदमी हिंदुस्तान में कोई नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी बिड़ला जी के घर बैठते थे, महात्मा गांधी जी की दोस्ती बिड़ला जी के घर में थी, सारा काम वहां होता था, बड़े आदमी से दोस्ती का मतलब ये नहीं है जो भ्रष्टाचार हो,
मोदी के ऊपर एक पैसे का भ्रष्टाचार कोई नहीं लगा सकता, एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। देखिए नारा नारा लगाने से नहीं चलेगा, ये पप्पू और फेंकू के नारे लगाने से अगर आप लोगों को लगता है आपका पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा तो आप बड़ी गलत फहमी में है भाई साहब। फेंकू और पप्पू के नारे लगाने से पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा, इनसे सवाल पूछने से होगा। आप लोग सवाल पूछिए बजाय नारा लगाने के, सवाल उठाइए नारा मत लगाइए। बैठिए वहां बैठिए, बैठ जाइए 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 बैठ जाइए। बोलिए अपनी बात। इनकी जायज बात है, ये पूछना चाह रहे हैं, लोग सुन भी पाए, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस प्रदेश में काला कपड़ा पहनना निषेध है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। ये सरकार ने प्रतिबंध लगाया कि भाई जिनके काले कपड़े हैं उनको बाहर कर दो। हाँ मैं आपसे निकालना चाहता हूँ, लेने दीजिए, मेरे सामने ऐसा नहीं आया है, सरकारी आदेश है। मैं बोलिए सरकारी आदेश है, हमें राज करेंगे, राज किया है, हमें राज करना आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमें राज करना आता है, ऐसी बात नहीं कि राज नहीं करना आता। और बात रही काले कपड़े की, कहीं भी काले कपड़े को कोई विरोध किसी ने किया हो, काले झंडे दिखाने वालों का विरोध जरूर होता है। और मैं एक मिनट डॉक्टर आसरा जी की एक बात लेना चाहूंगा, आप शहीदों की बात करते हो, आपका मंत्री पंजाब का मंत्री के बदले 10 साल लड़ने की बात कही थी, वो पाकिस्तान में जाकर के वहां के सेनापति ने कहा था ना एक के बदले 10 सर लूंगा, कहां गए वो एक के बदले 10? आप तो बिरयानी खा के आ गए वहां पर। दोतास्त्रा जी, हेलो दोतास्त्रा जी, इनको इनको आप कहते हैं एक के बदले 10 सिर लेके आओ। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि सेना जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मार रही है, जब वो आतंकवादियों को मारती है तो ऐसा है। इनके मंत्री के साथ पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई, जो अपराधियों को संरक्षण देती है, जो आतंकवादियों की पार्टी है उसके साथ 2.5 साल सरकार किसने रखी, इसका जवाब दीजिए। डोटासराजी के पंजाब के मंत्री, कांग्रेस के मंत्री सिद्धू पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की पीठ ठोकते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, जो आदमी हमारे सैनिकों को मारता है, हमारे घरों में आपके प्रधानमंत्री तो बिरयानी खा के आए थे, आपके प्रधानमंत्री तो बिरयानी खा के आए थे, बिना बुलाए गए थे, हमें तो बुलाया है, आपके प्रधानमंत्री बुला के गया था, बिरयानी खा के गया है। इससे कुछ नहीं होने का, ठीक 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 है ठीक है ठीक है, बैठ जाइए, कुछ नहीं होने का, बैठिए तो सही, बैठिए वापस, कुछ नहीं सामान्य नहीं, वापस बैठिए बैठिए वापस बैठिए। आपके प्रधानमंत्री तो बिरयानी खा के आए थे, अम्मी को मम्मा के चाहते थे, आपके नेता बात कह पाए अपनी अपनी क्या, अगर आप लोग चाहते हैं आपके नेता अपनी अपनी बात कह पाए तो आपको सुनना चाहिए कम से कम उनको, अगर आप लोग चाहते हैं आपके नेता अपनी अपनी बात कह पाए तो उनको सुनिए कम से कम। कोई नहीं, बोलिए क्या सवाल है आपका। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताया जाए, ये बोल रहे हैं मोदी जी ने बहुत काम किया, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल किया है, सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया नीरव मोदी को भगाने का, ललित मोदी को भगाने का, विजय माल्या को भगाने का, सबसे बड़ा काम किया है मोदी जी ने, इसका जवाब दे रहे, ये बोलिए जवाब दीजिए। मैं देता हूँ, लोन लेकर भाग गए लोग, जिस नीरव मोदी लोन लेकर लोग भाग गए आपकी सरकार में, जिस आप तो वित्त मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, नीरव मोदी को बैंकों से लोन देने वाला अरुण जेटली और मोदी जी ने भगाने का काम किया, और अभी अभी आपके सामने एक बैंक के नीरव मोदी जी, एक बैंक के अधिकारी ने, प्रधानमंत्री बैंक के रिटायर अधिकारी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार ने अप्रोच करके मंत्रियों नीरव मोदी को लोन दिलवाया और वो इनका दिया हुआ लोन था सारा का सारा। आपकी सरकार में वित्त मंत्री पर आरोप लगा है कि विजय माल्या के भागने से पहले उन्हें पता था। वित्त मंत्री जी ने मना किया, साफ मना किया है, ऐसे मोदी वो मिला नहीं, कभी नीरव मोदी कभी नहीं मिला मेरे से, लेकिन इस बात से मना नहीं किया, मिले हैं, वो मिले नहीं थे, उन्होंने कहा कि मेरे से चलते चलते उन्होंने बात की थी, वो और इनका कहना है बात की और अगले दिन भाग गए, कोई बात नहीं, कभी भी बात नहीं उनकी, मना करते हैं। चलिए मैं नीचे आता हूं लोगों के बीच में, लोगों से जरा पूछते हैं स्थानीय मुद्दे उनके क्या है, क्या एक सेकंड पहले बैठ के बात कीजिए, बैठ के आराम से, पीछे रहिए, मैं सबके सवाल लेने की कोशिश करता हूँ, अगर आप जवाब सुनना चाहते हैं अपने नेताओं के, सबके सवाल लेने की कोशिश करता हूँ, अपना अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है। रोहित जी मैं बात करना चाहूंगा सांसद महोदय से, आपने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं और आप जयपुर में लघु काशी में बैठे हुए हैं, इस छोटी काशी में इतने मंदिर तोड़े गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों नहीं बोला, 400 से ऊपर मंदिर तोड़े गए रोहित जी जयपुर के अंदर, इतने मंदिर पूरे देश के अंदर कहीं नहीं तोड़े गए, 400 से ऊपर मंदिर तोड़े गए, तब आपकी बीजेपी की सरकार मोदी जी और वसुंधरा जी का सोई हुई थी। ठीक, पूछते हैं आपका सवाल, बोलिए क्या सवाल है आप। मैं दोनों पार्टियों से एक सवाल करना चाहता हूँ,
कांग्रेस और बीजेपी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जयपुर की सुरक्षा खतरे में है, रोहिंग्या यहां बस गए हैं, कौन सी पार्टी निकालेगी उनको? वादा करो आप, केवल वादा करोगे या निकालोगे? और आप भी अपनी स्थिति स्पष्ट करो, आप क्या वाकई में ये तो पक्ष में खड़े उनके। मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, निकालेंगे राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर गए, उनको फर्जी हिंदू कहा गया, कल मोदी जी मस्जिद गए, क्या बोलोगे आप? जवाब दे सकते हैं आप ये ठीक है? रुके 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 रुके, जो सवाल आपने उठाए पहले उनके जवाब लेते हैं, बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए। दो बड़े सवाल उन लोगों ने उठाए, देखिए डोटासरा साहब, उन्होंने कहा रोहिंग्या बस गए हैं, क्या उनको बाहर निकालेंगे कि यहीं बसा लेंगे? पहले आप जवाब दीजिए सांसद जी, हमारी फिर उनके पास आ रहा हूँ, बोलिए जवाब दीजिए। आ रही आपकी आवाज, ठीक करो इसकी आवाज, आ रही आपकी आवाज, बोलिए। हमारी सरकार ने असम के अंदर रोहिंग्या को बाहर करने के लिए निश्चय किया, और आपसे कहना चाहता हूं इनकी सरकार कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां सारी की सारी रोहिंग्या की पक्ष में खड़ी होगी। ये लोग कहते हैं कि वो लोग यहां रहने चाहिए, हमारी सरकार पूरे देश से एक एक बाहर से जो भी आदमी जो हमारे देश का नागरिक नहीं है उसको एक एक को चुन चुन के बाहर करना चाहती है। ये लोग कर रहे थे जयपुर में, बस कैसे गए वो आके? कब? वो इन्हीं के राज में से हैं, कांग्रेस के टाइम बसे आकर के। इन्होंने बसा दिए क्या? इन्हीं के टाइम आए, इन्होंने बसा दिए, इनके टाइम आए। डोटासरा जी, रोहिंग्या को लेके आपकी क्या नीति है? ऐसा है, ये जो भी काम किया था उसके लिए नीति बनाने का वो राजीव गांधी जी ने किया था, इन्होंने नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, राजीव गांधी जी किया तो विरोध क्यों हो रहा है? दूसरी बात, ये अगर राजीव गांधी जी ने किया तो विरोध क्यों कर रहे हैं? 2022 इनको 2018 में राजस्थान से भागना पड़ेगा, 2019 में दिल्ली से भागना पड़ेगा, ये 2022 देखेंगे नहीं, ये 4 साल क्या करते रहे। दूसरा सवाल सांसद जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं लोग। हाँ जी भाई, वैसे तो आप मंदिर मंदिर करते हैं, जयपुर में आप लोगों ने 400 मंदिर तोड़वा दिए, 400 मंदिर तोड़वा दिए। आपसे कर क्यों बोलिए? मैं यही कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। जो मंदिर टूटे हैं मेट्रो के काम के लिए, सुन लो आप, मेट्रो के काम के लिए जो मंदिर हटाए हैं उनकी मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया और दूसरी जगह देकर के उनकी पूजा पाठ करके उनको स्थापित किया गया। उनको मूर्तियां कहां सुरक्षित हैं? वो कह रहे हैं कि 400 मंदिर तोड़ दिए आप लोगों ने, वैसे आप मंदिर मंदिर करते हैं। मैंने बताया जी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूं, आज आपके सारे समर्थकों को मंदिर याद आ रहे हैं, आज आपकी पार्टी जगह जगह पर मंदिर का नाम लेकर राम के मंत्र जाप करवा रही है। साहब सुप्रीम कोर्ट में मौका आया था तो आपने कह दिया था राम तो कहानियों के पात्र है, केवल राम तो है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 3600 कौमों को, सब धर्म के लोगों को साथ रख के चलने का काम किया था। ये वोट के समय हिंदू खेलते हैं और उसके बाद में उनके साथ में दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं, मंदिर तोड़ने का काम करते हैं। आप देखिए 400 से ज्यादा मंदिर यहाँ जयपुर में तोड़े गए, ये बताइए आप कहाँ गए? 400 मंदिर तोड़े इन्होंने, और फिर 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, बना दिया क्या इन्होंने राम मंदिर? बना दिया क्या अयोध्या में राम मंदिर? क्या 370 हटा दी गया इन्होंने? ये मंदिर मंदिर बनाएंगे, गौर रक्षा करेंगे, ये सब चुनावी नारे केवल जुमले हैं, अभी चुनावी नारे नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला करते हैं, मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और क्यों लेते हो? अरे सारे समझे, जवाब सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, मैं आपसे तो अपने एजेंडे में चाहता हूँ भाई, बात सुन लो आप। जो मंदिर की बात कर रहे हैं, जितने भी मंदिर जो मेट्रो के एरिया में आए थे उनको हटाया, सम्मानपूर्वक उनकी मूर्तियां रखी, और उनको रखने के बाद में उनको दोबारा स्थापित किया गया है, एक का भी अपमान नहीं हुआ। आप जो बात कर रहे हैं, दूसरा आपका बड़ा मुद्दा है गौ रक्षा का, जिसको लेके देश भर में हंगामा मचा है। एक मिनट, राजस्थान में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं, उसके बावजूद राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय मरती हैं। राजस्थान की सरकार ने 6 महीने गौशाला का अनुदान दिया है, अशोक गहलोत ने केवल 1 महीने का अनुदान दिया था। राजस्थान की सरकार ने रजिस्टर्ड पंजीकृत गौशालाओं को 6 महीने का अनुदान दिया, राजस्थान की सरकार। आपने राजस्थान में गौशालाओं की हालत देखी है क्या जाकर? मैंने देखी है, सारी हालत देखता हूं मैं। राजस्थान में गौशाला प्राइवेट संस्था चलाती है, सरकार नहीं चलाती है, लेकिन हमारी सरकार पैसा देती है, अनुदान देती है।
बोलिए दो टासरा जी, मैं खुद गाय पालता हूँ। बोल रहे हैं ना आपके नेता, बोल रहे हैं आपके नेता, बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए। मेरे से गाय के बारे में आपके नेता बोल रहे हैं ना। मैं चलो चलो ठीक है ठीक है, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ स्वामी जी से। स्वामी जी बोले, स्वामी जी आप तो आर्य समाजी हैं, मूर्ति पूजा के विरोध में हैं, मूर्ति लगाने के विरोध में हैं। आपकी पार्टी मूर्तियों को सुरक्षित रखने की बात कर रही है, तोड़ने वाली पार्टी, दोनों में से कौन से पक्ष में आप हैं वो बताइए आप। हाँ मैं बताऊंगा, आर्य समाज, आप आर्य समाजी हैं, मूर्ति लगाने में विश्वास नहीं करते हैं, वो सुन लीजिए उनको। देखिए डोटासरा जी ने मेरे ऊपर एक बात कही है। अरे आपके ऊपर सीधा सवाल उठाया उन्होंने। हाँ, आप आर्य समाजी हैं, मूर्ति के पक्ष में कि नहीं है? डोटासरा जी ने एक बात कही है, क्या आर्य समाजी हैं? स्वामी दयानंद ने कहीं ये नहीं कहा कि मूर्ति को तोड़ो, कहीं नहीं कहा। इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। आपने तोड़ा, हम सबका सम्मान करते हैं। एक बड़ा मुद्दा और जो चुनाव के वक्त पे बिल्कुल गर्म हो रहा है वो ये है कि आखिरी वक्त पर आते आते आपने जो आपका सबसे लॉयल सवर्ण वोट बैंक था कथित तौर पे, उसको भी धोखा दे दिया। आप राम मंदिर पर संसद में अध्यादेश लाएंगे या नहीं, नहीं बताया, लेकिन SC ST पर संसद में अध्यादेश लेके आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने सुप्रीम कोर्ट पहले जो मैटर था, पहले जैसा नियम था वो वैसा का वैसा रखा है, वैसा का। उसमें एक लाइन का परिवर्तन, एक अक्षर का परिवर्तन नहीं किया हमने, एक अक्षर भी नहीं बदला उसमें। पहले था वैसा का वैसा रखा है। SC ST को आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, वैसा वैसा रखा है। आपने कहा कि ये दलितों का धोखा हो रहा है BJP के राज में, क्या आप लोग वापस आएंगे तो आज जो आंदोलन चल रहा है उस SC ST कानून को वापस उसी शक्ल में ले आएंगे जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कमजोर पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की और दलितों के ऊपर इस प्रकार का काम करने का काम किया, और उसके बाद में स्वर्ण कास्ट के साथ में इन्होंने भेदभाव करने का काम किया। इन्होंने जातियों को ग्रुपों में बांट करके अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ये दोनों काम किए, और हम शांति बहाल करेंगे। हमारी सरकार आती एक बार फिर से नारे लगने शुरू हो गए। देखिए एक तरफ से राहुल के नारे लग रहे हैं, एक तरफ से मोदी के नारे लग रहे हैं, एक तरफ राहुल के नारे लग रहे हैं, नहीं है मोदी, एक तरफ मोदी के नारे लग रहे हैं। मोदी मसला नेताओं के सवालों के जवाब लेने का है, लेकिन लोग अपने नारे लगाने पर जोर दे रहे हैं। मोदी नहीं है, वसुंधरा नहीं है, सुनने की सब तरफ आपकी तरफ कौन है पहले तय तो कर लीजिए। आपका नेता कौन है राजस्थान में? हमारे नेता ये जनता, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे कि सचिन पायलट होंगे, ये फैसला राहुल गांधी होंगे, ये जनता फैसला करेगी, कांग्रेस का शासन लाएगी, और हमारे विधायक और हमारे राहुल गांधी जी तय करेंगे हमारा नेता होगा। अगर कांग्रेस इनका, अगर कांग्रेस पार्टी को जनता वोट करती है, आपका नेता कौन होगा? सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? ये बताएंगे क्या? मोदी जी को दो मुख्यमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को दो मुख्यमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को ये लग गया कि राजस्थान में BJP का सूपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वसुंधरा जी का नाम तय किया है। आपको अपनी प्रदेश इकाई का अध्यक्ष चुनने में 1.5 महीना लग गया, मुख्यमंत्री कैसे चुन पाएंगे दोबारा वसुंधरा राजे को? हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी एक खानदान की पार्टी नहीं है। इसलिए लोकतंत्र के अंदर समय लगता है, हम सबसे सलाह करके काम करते हैं। हम पहले दादी बन गई, फिर नानी बन गई, फिर माँ बन गई, फिर बेटा बन गया। एक परिवार की पार्टी हमारी नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतंत्र में समय लगता है। और हमने ऐसे व्यक्ति को बनाया है जो बिल्कुल ग्रास रूट का व्यक्ति था, सामान्य कार्यकर्ता था, उसको आपकी पार्टी 1.5 व्यक्तियों की पार्टी है, एक मोदी और आधा अमित शाह, ये पार्टी आपकी, कोई किसी की नहीं चलती। कहाँ गए आडवाणी, कहाँ गए आप मुरली मनोहर जोशी? आडवाणी हमारे दर्शक मंडल में है। कहाँ गए आडवाणी जी? मेरी पार्टी के हमारे दर्शक में है। हमारे सारे नेताओं को हम सम्मान करते हैं। एक गरीब घर का बेटा उसको प्रधानमंत्री बनाया है, जिसकी माँ गरीब थी, गरीब परिवार का व्यक्ति था। आपको तो एक परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते, गांधी परिवार के बाहर आप आ ही नहीं सकते। माहौल काफी गर्मा रहा है। सब लोग बात सुन लीजिए। आप लोग यहाँ आए हैं अपने नेताओं से सवाल पूछने,
ये नारे लगाने का काम तो आप रैली में फिर भी करते रहेंगे जब जब इनके साथ जाएंगे। यहाँ आए तो कम से कम अपने सवाल उठाइए, मीडिया आपको मंच देता है कि आप अपनी बात अपने नेताओं तक पहुंचाइए, देश के बाकी जनता तक पहुंचाइए, केवल नारे मत लगाइए, केवल नारे मत लगाइए। हम यहाँ जयपुर में है, जयपुर में है, आज जयपुर के अल्बर्ट म्यूजियम से आप दंगल के चुनाव स्पेशल का पहला एपिसोड देख रहे थे, कल दूसरा एपिसोड भी जयपुर के अल्बर्ट म्यूजियम से ही हम आपको दिखाएंगे, जयपुर के ही राजस्थान के ही और नेताओं को आपके सामने लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे जनता के और सवाल उठाएंगे। फिलहाल यहाँ जयपुर से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आज तक पर आप बने रहिए और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इस ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद आप दोनों का। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।